ये यूएन की गाड़ी आ गई भाई, प्रोटोकॉल आप चेक करें पाकिस्तानियों का। इधर ये लोग रोकते नहीं है तालिबान की यार, ये म्यूजिक वगैरह ऐसी चीज क्यों रखते? प्योर अनार है भाई जी, प्योर अनार। माशाल्लाह लड़का हो आप, लड़की बनना चाहते हो आप बन सकते हो। मैं है आर्मी है, अफगानिस्तान आर्मी है। आप तालिबान में? तो आप लोग जो है इधर तालिबान के कुमार से खुश है, मसला नहीं गाड़ी की? इस गाड़ी के यहाँ पे मिल रहे 8-9 लाख पाकिस्तानी रुपये। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में, और आज हम चले हैं जी सिम लेने। सबसे पहले बाकी का काम बाद में करेंगे, सिटी को एक्सप्लोर तो करना है। कल हम आए थे, एक तो वैसे पेंट शर्ट पहनी हुई थी, वहाँ भी सानू इन हवा पै जाती है, लेकिन आज थोड़ा हुलिया चेंज किया है, माल वगैरह शलवार कमीज पहनी है। वो वाली अट्रैक्शन तो नहीं है पब्लिक की ना, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं ये शक्ल से पहचाने जाते हैं कि हम लोग जो है ना अफगानी नहीं है। अभी रोजमर्रा का जिंदगी जो है वो चल रहा है अफगानिस्तान में, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वो सिम के लेके किस दफ्तर में जाना है? भाई साहब से हमारी बात हुई, भाई साहब ने कहा असलम प्लाजा में चले जाएं, वहाँ जाके पूछ लें कि सिम लेना है। चार कंपनीज के दफ्तर जो है वो वहाँ पे है, तो वहाँ से इजिली सिम मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत? अच्छा आप एक चीज देख सकते हैं, ये आपको अनार के दाने नजर आ रहे हैं, क्या हाल है, खैरियत ठीक हो? क्या हाल है भाई? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पाकिस्तानी बताने में ये लगा था आप लोगों को कि यहाँ पे ना फ्रूट बहुत ज्यादा मशहूर भी है लेकिन और अफोर्डेबल भी है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। आपने कंधारी अनार भी सुने होंगे, वो सारे यहाँ से जाते हैं, बहुत ज्यादा मकदार में यहाँ पे पाए जाते हैं, रेड़ियाँ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं। और जब हम आने लगे थे ना तो एक बंदे ने हमें मशवरा भी यही दिया था कि भाई जब आप वहाँ पे जाए ना तो फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाएं। रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, आप वो लोग तो परेशान कर सकते हैं जो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, जिनको पाकिस्तान का पता नहीं है, आपको कभी भी तालिबान वाले परेशान नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो, लेकिन ये कि एक वो जो रूड बिहेवियर होता है वो नहीं करते। असलम प्लाजा किधर है भाई? असलम प्लाजा और नहीं है रेना, पता ही कोई वो आधा घंटा तो हमारी शक्ल की तरफ देखते हैं, फिर बाद में उनसे भाई जान। असलम प्लाजा किधर है? आगे कितना आगे? नजदीक है। अच्छा नजदीक, फिर शुक्रिया भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत? और ठीक ठाक खैरियत? लोग बड़े फ्रेंडली हैं, खासकर जिनको। और क्या हाल है भाईजान, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हम पाकिस्तानी हैं, इधर चक्कर मकर के लिए आए हो? अच्छा अच्छा, मेरा उधर लाहौर सुना है, जिला है बहावल नगर, देखा हुआ आपने? जबरदस्त, आप उधर गए हुए हैं? ये चीज कमाल की, इस एरिया में जितने भी लोग मिलेंगे ना उनमें से 57% वो लोग होंगे जिन्होंने पाकिस्तान देखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब है। अच्छा तो कितना दूर है असलम प्लाजा यहाँ से? ये इधर जाना है? अच्छा आप भी उधर जा रहे हैं? ये आप अखरोट देख ले भाई, रेडियो में रखे हुए हैं यहाँ पे ना, ये लंडा बाजार टाइप शॉप है ना, यानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, खैरियत? कैमरा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, खैरियत भाईजान? ठीक ठाक। लेकिन एक चीज है, आपको यहाँ पे खवातीन कम मिलेंगी ना बाजारों में, और अगर होंगी भी तो वो पर्दे में होंगी, लेकिन ना कुछ ऐसी खवातीन भी यहाँ पे देखने को मिली हैं जो जिनका उतना ज्यादा पर्दा नहीं था, और तालिबान वाले उन पे इतनी ज्यादा सख्ती भी नहीं कर रहे यहाँ पे। लाहौर से? हाँ लाहौर के पास जिला मंसूरी में पढ़ा था। पढ़े आप उधर? माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, मदरसे में पढ़े हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमने उधर प्रेस का काम किया। अच्छा आप उधर प्रेस का काम करते रहे? 21 साल उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक है। मेरे साथ वाला जो था वो कहीं गुम हो गया, लेकिन मैं असलम प्लाजा में जाता हूँ वहीं पे वो आ जाएगा। सिम कार्ड लेना? सिम कार्ड इधर? ठीक ठीक, शुक्रिया भाई। अभी यहाँ पे एक प्लाजा है तो उन्होंने बोला कि वहाँ से सिम कार्ड मिल जाएगा, चेक करते हैं भाई मिलता है कि नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, सिम कार्ड मिल जाएगा? नहीं, किधर से मिलेगा? सीधा जाना होगा? कच्चे बर्तन आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, खैर? बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आप, बहुत मेहरबानी भाई जान, बहुत मेहरबानी, बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई जान, बहुत ही अच्छे लोग हैं, यकीन करें आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, खैरियत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल, खैरियत है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई जान सिम कार्ड लेना है, सिम कार्ड दफ्तर के? अच्छा सलाद है ना? बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जब लोगों से मुलाकात होती है ना तो वो ऐसे फील करवाते हैं जैसे आप उन्हें पहले ही जानते हो, पहली दफा मुलाकात नहीं हो रही है।
ये सामने सिम कार्ड का दफ्तर है, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल अंदर जाके वीडियो बनाना बेहतर होगा, सिम लेके फिर आपको बताता हूँ। A few hours later. भाई साहब अभी सिर्फ टोकन मिला है और अंदर ठीक ठाक रश है भाई, समझे आप, तकरीबन 100 बंदा अंदर बैठा हुआ है इंतजार में और उनके बाद मेरा नंबर आएगा। मैंने टोकन लिया, उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद आपके नंबर आएगा, इसलिए आप बाहर घूम फिर लें तसल्ली से, उसके बाद आ जाएं। सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि अपने साथी को ढूंढता हूँ जाके, वो पता नहीं कितने खड़ी गई है। दोबारा यहाँ से आके सिम लेते हैं, यहाँ पे ना सिम के जो पैकेजेस हैं ना वो थोड़े महंगे, यानी आप अंदाजा लगाएं जो 20 GB है ना एक महीने के लिए वो तकरीबन आपको पाकिस्तानी 2700 रुपए में मिलती है, 20 GB 2700। मेरे ख्याल में ये थोड़ा कॉस्टली है ना, सिम में वो 250 में मिलती है। हमने यहाँ पे हम वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, है तो रब्ता वगैरह ही करना इंटरनेट या व्हाट्सएप वगैरह ऑन करके। साइड पे जो सब्जियों की दुकान है ना वो ये है, मतलब सब्जी की रेड़ी आप कह ले, फ्रूट वगैरह और सब्जियां यहाँ पे आ जाती, लेकिन यहाँ पे ना मुझे जितनी भी रेड़ियाँ नज़र आई हैं ना उन पे तकरीबन सब्जियां फ्रेश ही देखने को मिली हैं। ये सीन चेक करो भाई, वो मेरे साथ वाली मुसीबत अभी तक रूम में आई नहीं, रूम बंद पड़ा भाई, पता नहीं अब कहाँ है कहाँ नहीं, अब उसे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब मुझे अभी कन्फर्म तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अफगानी नोट और होते हैं और कंधारी नोट और होते हैं। दूसरी बात ये है कि को ना ये जगह जगह पे करेंसी चेंज वाले लोग मिल जाएंगे, पाकिस्तानी करेंसी चेंज करवानी है या डॉलर वगैरह में तब्दील करवाने, सारे यहाँ पे जो है ना आसानी के साथ मिल जाते। हमने हुलिया थोड़ा चेंज किया है ना, अभी वो अट्रैक्शन नहीं रही, अट्रैक्शन से मुराद जो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं और लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर बार बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं तालिबान वाले। अभी सुकून है, जहाँ से मर्जी आते जाते कोई परेशानी नहीं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाई। और ये जूतियों वाला स्टॉल आ गया भाई साहब, ये जूती और यहाँ से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी जाती हैं, मुझे ऐसे लग रहा है शायद, क्योंकि ना ये जो पठान बैठे हो खासकर यहाँ की जो चप्पल है ना वहाँ पे लेके जाते हैं। जो मेडिकल स्टोर है ना वहाँ पे आपको बहुत कम मकदार में आपका दवाइयाँ मिलेंगी, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर भरे होते हैं, शॉप तो शायद बड़ी थी लेकिन दवाइयाँ वहाँ पे बहुत कम। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या चल खरीद, दूध वाला चाय मिल जाएगा इधर दो चाय, किधर से मिलेगा, नहीं कहीं से भी नहीं, चलो खैर शुक्रिया। यार ना दूध वाला चाय नहीं मिलता यहाँ पे, जैसे हम लोग उधर पीते हैं, इधर सिर्फ और सिर्फ कावा मिल जाता है, चलो कोई नहीं खैर। हाँ लेकिन मैंने कल देखी थी लस्सी मिल जाती यहाँ। मैं फिर दोबारा ऑफिस में आके बैठा हूँ सिम वाले, और आसपास रश तो काफी है, मुझे ना सीनियर के ऑफिस में लेके गए थे जो इनका मैनेजर है, उसने बड़े अच्छे तरीके के साथ मुझे बुलाया और उसने कहा कि आप इसका पासपोर्ट दे दो, थोड़ी देर इंतजार करो अभी आपका नंबर आ जाएगा, नंबर ना भी आए तो वो फिर भी डायरेक्ट लगा। फाइनली जो है वो सलाद की सिम मिल गई है मुझे, और बहुत ही अच्छे लोग थे वो, उन्होंने इंग्लिश में डील किया और बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया, अखलाक बहुत अच्छा था, और सबसे मज़े की बात यह कि प्रोटोकॉल आप चेक करें पाकिस्तानियों का, उन्होंने मुझे नंबर में नहीं लगने दिया, मेरा 105 नंबर था और चल जो है वो 38 नंबर रहा था, तो उनके सीनियर ने कहा कि आप जो है ना फॉरनर जो पाकिस्तानी है ना इसको पहले सिम दे दो, बाकियों को बाद में देना। इंटरनेट पैकेज मैंने आपको पहले बताया महंगा है, मुझे 4 GB एक महीने के लिए मिली है तकरीबन पाकिस्तानी 1500 रुपए में, समझ गए आप। और ये UN की गाड़ी आ गई भाई, यूनाइटेड नेशन की गाड़ी, और जो सिम है भाई साहब तकरीबन पाकिस्तानी मुझे मिली है 500 रुपए में, वो तकरीबन ठीक है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अभी खैर मुझे फाइनल रूम में जाना है कि अपने दोस्त को ढूंढ सकूँ, वो पता नहीं कहाँ है, उसने सिम ली या नहीं, क्या सूरत हाल है, अभी ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये भाई साहब जो हमें मिल गए हैं, ठीक है आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, ये पाकिस्तानी दफ है, ये पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तान में बना है, लाहौरी है। इधर ये लोग रोकते नहीं है तालिबान की, यार ये म्यूजिक वगैरह ऐसी चीज क्यों रखते हैं? म्यूजिक नहीं है। अच्छा म्यूजिक नहीं है ये, अच्छा अच्छा, ये कितने का देते हो एक? 700, 600, 500 अफगानी। और वो बता रहे कि ये सारा लाहौर से इधर आता है ना, लाहौर वाले जी, मैं तो नहीं कम मल है। चले खैर शुक्रिया भाई जान, बहुत मेहरबानी। खैर ये सीन था, ये चीज चेक करो यहाँ पे शरबत का अनार दे रहे हैं, ये ताज़ा बना के नहीं देते हो? ताज़ा है, बीज की तरह ताज़ा बना के दो हमें, हम ये आप देख सकते हैं भाई, क्या अनार का शरबत है कि नहीं, चलो बना दो यार, दो दो प्योर अनार है भाई जी, प्योर अनार, बीच में नमक डाला हुआ है उन्होंने, और वाकई असल अनार है। तुम किस जगह से आए भाई साहब? लाहौर से, लाहौर मालूम है? हाँ, किस टाइम के लिए आया? चक्कर, चक्कर लगाना है। ये यार ये लो, ये लो, ये बाबा जी बुला रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल, खैरियत, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना, खैरियत है? ठीक है, और सुनाओ
कैसे याद किया यार? अच्छा अच्छा, उर्दू जानते हैं आप? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पाकिस्तान? हम पाकिस्तानी, लाहौर के पास रहते हैं। लाहौर के पास आता है? हाँ जी हाँ। इधर चक्कर के लिए आया हुआ? अफगानिस्तान के लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए इधर आया। काबुल? काबुल नहीं जाना, अभी काबुल जाएगा आगे। काबुल बहुत मजेदार है, बस महंगा है अफगानिस्तान, थोड़ी ठीक है, बाकी सब लोग बहुत अच्छा है। तुम पश्तो? नहीं आता? नहीं आता, अभी सीख रहा है। अभी सीख रहा है यानी इधर तो वो पी है। अब पंजाबी है ना, इसलिए पंजाब हो। पंजाब वाला रहने वाला। पंजाब देर से खलक दी। अब गया है लाहौर? कितनी दफा गया है? दस बार लाहौर गया है। हाँ जबरदस्त। मीनारे पाकिस्तान देखा? मीनारे पाकिस्तान आप रह चुके हैं, इसलिए आपको इतना अच्छा उर्दू आता है ना। यहाँ कुवाटी बाजार नहीं है? अच्छा उधर आप रह क्या? इधर क्या काम करता है? इधर ये काम करता है, ये बेचता है इधर। तो इधर ये रोजाना पानी? हाँ बहुत ना, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, बस दुआ दुआ की। बहुत मेहरबानी। उधर जाने का बहुत मुश्किल है, उधर बंदा नहीं जा सकता। क्यों? वीजा लेके जा सकता? पासपोर्ट नहीं है क्या? पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, है वीजा नहीं है। वीजा बन ले लो उधर, ले लो, काबुल से मिल जाएगा। काबुल से मिल जाएंगे $1,000। इतना महंगा है? कोई हाल नहीं है भाई, बोल रहा है कि पाकिस्तान का वीजा बहुत महंगा है, इधर से मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। भैया भाई साहब को घेर के खड़े हैं। फजल रहमान ने जो वो ट्रांसजेंडर का बनाया ना, ट्रांसजेंडर वो पूछ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है? ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे क्यों बोले इसने? नहीं मैं बताता हूँ, और सीन ये है कि वो बोलता है कि उन्होंने एक बिल पास किया है असेंबली में, कानून जिसको बोलते हैं ना, उसमें अगर आप लड़का हो, आप लड़की बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे अमरीकी ने करवाया सारा काम, मुसलमान लोग नहीं है। ये जो हमारा मौजूदा हुकूमत है ना, ये सब अमरीकी की मेहरबानी है। पहले वो इमरान खान था, वो नहीं मानता था इनकी बात, ये मान जाते हैं। इमरान खान तो इसलिए डिसमिस हो गए। हाँ उसको इन्होंने हटा दिया है, दोबारा आ जाएगा इंशाल्लाह, जैसे इलेक्शन होगा इमरान खान दोबारा आ जाएगा। तो काम क्या है? ये सारे मुसलमानी काम नहीं है? नहीं हाँ, ये गलत बात है, गलत है, सरासर गलत है। हाँ गलत है, मुसलमानी नहीं है ये सब। अच्छा ये वो गने का रस लाए देखो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चाय लाए और कुछ? बस वो भाई को बोला, वो होटल का बता रहे हैं, होटल है कोई? हाँ ये भाई ने बोला होटल में लेके जाएगा। ये भाई साहब को मैंने बोला है कि यार दूध वाला चाय जो होटल है उधर लेके चलो, तो ये भाई जो है हमें लेके जा रहे हैं। भाई जहरी गल चाह था कुट्टा पूरा ना हो, सुकून ही नहीं आता सानू वैसे ही। ओह क्या हाल चाल है? खैरियत? नहीं आप अपना छोड़, उसको पाकिस्तान जा रहे हैं? नहीं काबुल जा रहा है। काबुल नहीं जा रहा, खैरियत? जलालाबाद में तो अभी है ना, सिंह है शरबत बरबत पीने। बहुत मेहरबान। मैं है आर्मी है अफगानिस्तान आर्मी है। आप तालिबान में? नाले तालिबान है, फौजी अमलियात है। मैं ये कह रहा कि सबका हुक्मत जो था अशरफ गनी, उसमें फौजी था? फौजी था। आप फौजी थे पहले हुकूमत में? ना करो, अभी क्यों नहीं है? दुकानदार है मैं, दुकानदार है। मैं अमलियात है, बस आ गया। पहले आप फौजी था सबका हुकूमत में, और अभी अभी दुकान वाला है? यार अभी भी फौजी बन जाओ यार, छोड़ो यार तुम दुकान को, यार क्या करना है कुछ? वो बोलता कि पहले मैं फौजी था तालिबान की हुकूमत आने से पहले, अभी दुकान वाला बन गया। तालिबान ने रिटायर कर देता है रानू टाइम टाइम, सर्विस पूरी होगी भाई रानी। लोग बड़े फ्रेंडली है ना, सिख रहता है। ये अंदर नहीं जाने देते? अच्छा कोई बाहर वाला उसको भी नहीं जाने देते? जो जान पहचानों वाला होता है उनको जाने देते। ये आप देख रहे हैं यानी सामने सिखों का गुरुद्वारा है भाईजान, लेकिन अंदर शायद नहीं जाने देंगे ना। ये शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का था आपके पास? तो अब किधर? अब ब्लॉक हो गया ना। क्यों बंद कर दिया हुकूमत ने? यार ऐसे कैसे बंद कर दिए? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत? चाय मिल जाएगा दूध वाला? हां भाई के लिए भी तीन ले के आओ, तीन कप चीनी। चीनी? चीनी कम, चीनी कम। ये देख सकते हैं सामने ना, ये परचम अफगानिस्तान का यहाँ पे लगा हुआ है, तालिबानों का परचम। आपका वो वाला है? तो आप लोग जो है इधर तालिबान के हुकूमत से खुश है? मसला नहीं? मसला तो हमको नहीं बोल रहे हैं, अभी ये नए आए हुए हैं। हाँ, इसलिए अभी थोड़ा हुकूमत में थोड़ा है। कितना साल हो गया? अभी एक साल हुआ। जो लोग इनको मानते हैं उनको साथ खुश है। हाँ, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पीछे जो फौजी मिला वो बता रहा है कि मैं सबका फौजी हूँ और अभी मैं दुकान चला रहा हूँ। वो फौजी और वो मेंटली तौर पे भी क्रैक वैसे ना, फौजी भी पागल था होगा। वो पागल था, वो फौजी ना, इसलिए जब जो आर्मी में था ना उनको
دماغی مشکلات پیدا ہوئے اس لیے کہ ان لوگوں کو فوج میں علاقہ بڑا ہوا تھا نا ابھی دکانداری کا طالبان کا ایسے طالبان کچھ نہیں بول رہے ان کو یہ اچھا جو فوجی اب جنہوں نے ہتھیار ڈال دی ان کو یہ کچھ نہیں بولتے جو ڈالے بھی نہیں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں بولتے ابھی بھی ان کو لیے بھی پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا بھائی ہیں امریکہ کا حکومت تھا امریکہ ختم ہو گیا ابھی چائے دودھ والی آ گئی ہے پہلے تو مجھے امید نہیں تھی کہ ملے گی لیکن اب ہوپ فلی جو ہے نا وہ چائے ہمیں مل گئی ہے 9000 پاکستانی روپے کا 50 کلو آٹا مل رہا ہے بھائی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یار 50 کلو یار آپ اندازہ لگا لو اتنی مہنگائی ہے اس گاڑی کے یہاں پہ مل رہا ہے 8-9 لاکھ پاکستانی روپے نہ کرو یار حساب لگاؤ بھائی جہاں پہ اتنی مہنگائی ہے وہاں پہ سستائی بھی ہے گاڑی اتنی سستی مل جاتی ہے لیکن پاکستان میں لے جانے نہیں دیتے ہاں نان کسٹم گاڑیاں پھرتی ہوتی ہیں وہاں پہ کیا وجہ ہے ادھر گاڑیاں سستی کیوں ہیں پھر یہاں جو ہے کباڑ کے حساب میں آتی ہے نا تول کے وزن کے ساتھ وزن کے حساب میں آتے ہیں افغانستان کو ٹھیک ٹھیک یہاں سے مال بھی تورخم کے راستے پاکستان جاتا ہے یہی وجہ ہے ادھر زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں نا ہر بندے کے پاس گاڑی ہے آلٹو ہے نا آلٹو وغیرہ اور یہ 2000-3 لاکھ 3.5 لاکھ پاکستانی کلر میں ملتے ہیں نہیں نئی گاڑی نئی گاڑی یہاں پر نہیں آتی ہے یوز میں آتی ہے یوز میں سارے باہر کہاں سے آتی ہے باہر کہاں سے آتی ہے یہ جو ہے کوریا کی ہے کوریا کی گاڑی بھائی یہ کینٹینروں میں آتی ہے ٹیلر کینٹینر نہیں ہے اچھا اچھا اس میں آتی ہے یار کمال ہے پاکستان کو بھی چاہیے بھائی باہر سے امپورٹ کرے اس طرح اللہ خوش رکھے بھائی جان آپ کو بس دعا میں یاد رکھے بہت مہربانی بھائی صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے چائے ہوٹل دکھانے کے لیے پھر اتنا تو بنتا تھا نا کہ ہم انہیں بھی ایک کپ چائے کا پیش کریں تو ان کے ساتھ ہم نے چائے پی اور اس کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگائی اور بڑا ہی مزہ آیا یقین کرو بڑے اچھے لوگ ہیں یار اخلاق بہت اچھا ہے بات کرنے کا طریقہ اور انداز بہت اچھا ہے ان لوگوں کا باقی مہنگائی سے تھوڑے لوگ پریشان ہیں اور ان کو گورنمنٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ابھی ایک طالبان کا ہمیں بھائی ملا ان کے ساتھ ہم نے تصویر بنائی ہے بھائی صاحب بڑا مزہ آیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اپنا رکھے بہت سارا خیال ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں